गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ सुहेल सर, योर सोशल साइंस टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, हिस्ट्री बुक, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन द होल चैप्टर इन टू 3 parts, part 1, part 2 and part 3. Students, you are requested, you have to listen the whole part very carefully. Okay? Let's start. Students, this is the first part of chapter number 3, history book, The First Farmers and Herders. In this part, I will explain only introduction and beginning of farming and herding. Okay, students, are you ready? Let's start. Chapter number 3, History Book, The First Farmers and Herders. पहले किसान और चरवाहे. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, परिचय. द मेसोलिथिक एज वॉज द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड द नियोलिथिक एज. तो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक यानी कि पूर्वपाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का जो फेज माना जाता है वो माना जाता है मेसोलिथिक्स एज को, यानी कि मिडिल एज को. और यही वो दौर रहता है जिसमें कुछ नए बदलाव होने शुरू होते हैं. पीपल ऑफ द मेसोलिथिक एज स्टार्टेड लिविंग अ मोर सेटल लाइफ एज दे लर्नड वेरियस टेक्निक्स ऑफ कल्टीवेशन एंड फार्मिंग. तो लोग जो थे पूर्व का पाषाण काल से जब मध्य पाषाण काल की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें ही उसी दौर में कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ नए नए चीज़ डेवलप होता है, उनका माइंड थोड़ा सा डेवलप होता है, तो वो थोड़ा खेती बाड़ी करना सीखते हैं. द पीरियड फॉलोइंग दिस मेथोलॉजिक एज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो. ये दौर लगभग आज के हिसाब से 10,000 साल पहले जाएंगे तो ये दौर था मेसोलिथिक एज का. इज कॉल्ड द नियोलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज. और उसके बाद का जो एज होता है वो नियोलिथिक एज कहलाया जाता है. उससे पहले 10,000 साल पहले से मतलब मेसोलिथिक एज स्टार्ट होता है. इन दिस पीरियड प्राइमिटिव एग्रीकल्चर अपीयर्ड As a form of social activity and domestication was well under the way. इसी दौर में नियोलिथिक और पैथोलिथिक के बीच का जो दौर रहता है यानी कि मेसोलिथिक एज में ही इंसान जो उस वक्त के जो लोग रहते थे अर्ली मैन, उन्होंने डोमेस्टिकेशन सीखा था यानी कि कुछ जानवरों को साथ रखते थे, तो खेती बाड़ी भी सीख रहे थे और कुछ जानवरों को अपने पास रखते थे, उससे बहुत सारी चीज़ें भी उनको मिल जाती थी. अ ग्रेट मेजोरिटी ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट स्टिल सर्व मैन वेयर सेटल्ड एंड डेवलप्ड ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड. नियोलिथिक पीरियड आते आते वो काफ़ी चीज़ सीख चुके थे, यानी कि खेती बाड़ी भी बहुत हद तक वो कर लेते थे और जानवर को भी साथ में रखते थे, उनका मांस उनका दूध वगैरह यूज करना सीखे थे. पीपल स्टार्टेड सेटल नियर वाटर बॉडीज इन ऑर्डर टू ग्रो एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो आसपास ऐसे जगह अपना स्थान चुनते थे जहाँ पर नदी हो या पानी अवेलेबल हो, तो जिससे उनकी खेती बाड़ी करना आसान हो जाता था क्योंकि वहाँ पर नमी होता था और प्लस वो पानी आसानी से उनके काम आता था पीने के नहाने के. तो इस तरह से वो वाटर बॉडीज के साइड में ही रहना पसंद करते थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन स्टार्टेड यूजिंग पॉलिश स्टोन टूल्स. तो जैसा कि हमने वीडियो में भी बताया था कि पहले पैलियोलिथिक एज में उस तरह का शार्प टूल नहीं हुआ करता था, तो वो बहुत रफ होता था, उससे शिकार होते भी थे, कभी नहीं भी होते थे, बच के निकल जाते थे.
तो मेसोलिथिक एज में जब उनका थोड़ा ब्रेन डेवलप होता है तो वो टूल्स को पॉलिश करना शुरू किए, यानी कि उसको शार्प करते थे। स्टोर फूड खाने को जमा करना सीख गए थे कुछ दौर के लिए, कुछ पीरियड के लिए, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए। कल्टीवेटेड प्लांट्स कुछ पौधों को रोपना सीख गए थे, यानी कि जो बीज खा के पहले फेंक देते थे और कुछ दिनों के बाद वहीं से जब पौधा नया उगना शुरू होता था तो वो काफ़ी सोचते थे कि यहाँ पर एक नया पौधा कहाँ से आया। तो इस तरह से उनका जो माइंड धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो अब जो भी बीज खा के फेंकते हैं वो उसको स्टोर करते हैं और अलग अलग जगह के उसको प्लांट करते हैं, और कुछ दिनों के बाद जब वही पेड़ पौधा फल देता है तो उसको भी कल्टीवेट करते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड स्टार्टेड टू लीड अ सेटल लाइफ। तो जैसे ही इनको प्लांटेशन आ गया, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स करने लगे, यानी कि अपने साथ जानवरों को पालना सीख गए, पेड़ पौधा लगाना सीख गए, तो इनकी लाइफ धीरे धीरे सेटल हो गई, यानी कि एक जगह स्थित हो गए। यानी कि पहले वो पैलियोलिथिक्स एज में वो ज़्यादातर नोमैडिक थे, यानी कि घुमक्कड़ थे एक जगह से दूसरे, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता था। वो हर चीज़ की तलाश में इधर से उधर भटकते थे, पानी की तलाश में, खाने की तलाश में, तो एक जगह सेटल नहीं हो सकते थे। द नियोलिथिक एज वेरीज विद ज्योग्राफिकल लोकेशन। इन साउथ एशिया नियोलिथिक कल्चर स्प्रिड सून आफ्टर 10,000 BCE। तो नियोलिथिक एज हम जानते हैं कि 10, अभी के हिसाब से 10,000 साल पहले तक जानेंगे। तो नियोलिथिक एज जो तेज़ी से बदलाव हो रहा था, और ये हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से और भी बहुत सारे देशों में भी रहे थे। तो ये सब कहाँ कहाँ थे? द बिगनिंग ऑफ द नियोलिथिक एज इज साउथ एशिया। कहा जाता है कि जो साउथ एशिया है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी नियोलिथिक एज की, जिसमें आता है मेगर एंड बलूचिस्तान, तो जो कि हमारे देश के ही बगल में ही पा जाते हैं, पंजाब या फिर आपको पाकिस्तान के बगल के साइड में। कैन बी ट्रेस्ड, इसके बारे में पता लगा लगभग आज से 7,000 साल पहले, BCE, 7,000 BCE। द नियोलिथिक एज इन साउथ ईस्टर्न यूरोप। अब देखेंगे यूरोप के किस देशों में, यानी कि एशिया में तो पता चल गया, तो मेहगढ़ हो गया या फिर बलूचिस्तान, और साउथ ईस्ट यूरोप में कैन बी डेटेड टू अराउंड 7,000 BCE, वाइल इन नॉर्थन वेस्ट यूरोप इट्स कैन बी डेटेड टू अराउंड 4,500 BCE। यानी कि तकरीबन यही 10,000 साल पहले ही में न्योलिथिक साइट सबको खोजा गया। कैटल ह्यूंग इज एन अर्ली न्योलिथिक साइट्स इन टर्की डैट एग्जिस्टेड बिटवीन 7,500 टू 5,700 BCE। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट प्रिजर्व नियोलिथिक साइट्स डैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ। तो अभी तक का सबसे बेहतरीन साइट्स खोजने में तुर्की का, खास करके ह्यूंग जो था वही साइट्स को नियोलिथिक साइट्स माना जाता है। क्वेश्चंस। बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो शुरुआत खेती का कैसे होता है और जानवर कैसे साथ में रखना सीखते हैं, यानी कि चरवाहे, हर्डिंग। इन द नियोलिथिक एज पीपल बिकेम फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदर्स। तो नवपाषाण काल आते आते इंसान जो उस वक्त के जो अर्ली मैन थे वो फूड गैदर से फूड प्रोड्यूसर हो गए, यानी कि खुद से पौधा लगाना और उन पौधों से फल को इकट्ठा करना सीख गए थे। तो अब ये एक जगह से दूसरे जगह उतना नहीं भटकते थे क्योंकि इनको खेती धीरे धीरे आ गया था। दे शिफ्टेड फ्रॉम नोमेडिक लिविंग टू बिगनिंग बिकमिंग सेटलर। तो जो वो एक जगह से दूसरी जगह खाने या भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमते भटकते थे, वो सेटल हो गए, यानी कि जब उनको एक ही जगह पर वो खाना मिलता तो वो क्यों इधर से उधर भटकते। दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग वीट्स। वो कल्टीवेटिंग करना सीख गए थे वीट्स का, बार्ले, मिलेट एंड राइस। तो वो वहीं पर उपजाते हैं और कुछ महीनों के बाद जब वो फसल तैयार हो जाता है उसको कल्टीवेट करते हैं और उसको कुछ पीरियड के लिए अपने पास जमा करके रखते हैं, यानी कि स्टोर करना भी सीख लीन था। दीज वेयर कल्टिवेटेड इन डिफरेंट एरियाज एट डिफरेंट टाइम। अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम में, जैसे आज भी हम जाते हैं कि चावल का और खेती और गेहूं का अलग अलग टाइम में होता है, तो बरसात के सीज़नों में, यानी खास करके जून जुलाई से स्टार्ट हुआ था राइस का, फिर आपको अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हुआ था वीट का, तो अलग अलग टाइम में होता है, अलग अलग मौसम में। तो ये आपको नियोलिथिक एज में ही
सीख गए थे। ग्रोइंग क्रॉप्स एश्योर्ड पीपुल ऑफ अ कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ फूड। जब फसल उगाना सीख गए तो उनको लगातार भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था और ये सेटल होना शुरू हो गया, क्योंकि उनको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी वो खुद ही उगाना यानी कि उसको प्लांट करना सीख गए थे। टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स दे हैड टू लीव एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जाहिर सी बात है, जब खेती सीख लेंगे और उस पौधे की देखभाल करना है तो उनको एक ही जगह सेटल होना ही पड़ेगा लंबे समय तक के लिए। दे हैड टू लीव एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दस दे स्टार्टेड सेटिंग टाउन नियर रिवर वैली। इसीलिए वो नदी या नदी के आसपास के एरिया में रहना शुरू कर दी, क्योंकि उनकी खेती बाड़ी भी उसी एरिया में होती थी। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट सेटलमेंट। तो यही दौर रहता है कि इंसान पहली बार सेटल होना सीख लेते हैं जब उन्हें खेती आ गई थी। ग्रेजुअली धीरे धीरे दे लर्न बेटर स्किल ऑफ फार्मिंग एंड कल्टिवेटिंग। तो शुरुआती दौर में तो हर चीज़ नहीं सीखते हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है, वक्त लगता है, साल, 1 साल, 2 साल, 10 साल, हजारों साल लग गया। तो आज जिस तरह हम लोग खेती करते हैं, आज से 10 हज़ार, 15 हज़ार, 1000 साल पहले इस तरह की खेती तो नहीं आती होगी, बहुत सिंपल तरीके से करते होंगे, लेकिन लर्निंग का प्रोसेस वो जारी रहा। तो धीरे धीरे ईयर बाय ईयर, सेंचुरी बाय सेंचुरी उन्होंने खेती को और डेवलप करना शुरू किया। अलॉन्ग विथ कल्टिवेशन द अर्ली ह्यूमन स्टिल गैदर्ड प्लांट्स एंड हंटेड एनिमल्स। तो इसके अलावा भी वो प्लांट को एक जगह करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। फार्मिंग एंड हर्डिंग वेयर अडॉप्टेड स्लोली ओवर 1000 ऑफ ईयर्स। सोचिए यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको हजारों साल लग गया, खेती बाड़ी से लेकर के जानवर को, ठीक है, हर्ट करने के तक। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस डैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट डिफरेंट टाइम। अलग अलग दौर में अलग अलग जगहों पर इन्होंने धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन सीख लिया, यानी कि जानवरों को साथ में रखना, उसको पालना। इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अडेप्टेड फॉर ह्यूमन यूज़। धीरे धीरे जंगली पेड़ पौधे फल फूल जानवर धीरे धीरे ये सीख गए अपने साथ में रहना या उससे यूज़ करना, उसका इस्तेमाल करना। एनिमल्स टेम्ड बाई मैन इंक्लूडेड कैटल, सेप्स एंड गोट्स। तो जो जानवर को ये लोग पालते हैं उसमें होता कैटल मवेशी, शिप्स भेड़ वगैरह बकरा, तो इस तरह से गाय बैल भैंस इस तरह पालना सीख गए थे। टेम्ड एनिमल्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो खास करके जो जंगली खतरनाक जानवर उनको पालना इतना आसान नहीं था, ये लोग उस दौर में भी नहीं पालते थे। जैसे आज भी कोई खतरनाक शेर बाघ को तो नहीं पाल सकता है, पिंजरा में तो ठीक है, ऐसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड द हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वेयर ग्रेजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ टेम एनिमल्स। तो ख़ास करके जो जंगली जानवर होते हैं, ख़ास करके वाइल्ड एनिमल्स जो ख़तरनाक होते हैं, तो उनके सींग वगैरह या उनके दांत वगैरह बहुत शार्प होते हैं, जैसे लायन को अगर ले लीजिए, तो ये सबको पालना बड़ा मुश्किल है। ये अटैक कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं, उनसे को हार्म पहुँचा सकते हैं, नुकसान। तो ये ऐसे ही जानवर को पालते थे जो मासूम जानवर हो, जिनसे उनको कोई ख़तरा नहीं। जैसे बैल भैंस बकरी भेड़, इससे से इंसानों को कोई इतना ख़तरा नहीं है, तो इंसान आज भी उसको ही पालते हैं। आज से 10 हज़ार, 15 हज़ार साल पहले भी इसी को ही पालते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मीन्ड अ गुड सप्लाई ऑफ मिल्क मीट एंड हाइड फॉर क्लॉथ्स। इन जानवरों के पालने से सबसे बड़ा बेनिफिट था कि इन्हीं जानवरों से इनको दूध मिलता था तो दूध पीते थे, इन्हीं जानवरों का मांस का यूज़ करते थे खाने के लिए, और इन्हीं के चमड़े का, खाल का ये लोग कपड़ा बना करके अपने बॉडी को कवर भी करते थे, और ठंडियों में अक्सर इनकी जान बच जाती थी तो इसी चमड़ी का वो बॉडी में लपेट लेते थे, तो अपने बॉडी को कवर कर लेते जिनको उनको हीटनेस मिलता था। लार्जर एनिमल्स वेयर यूज फॉर द फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मान लीजिए हाथी वगैरह का यूज़ करते थे, या जो बड़े जानवर उस ज़माने में पाए जाते थे, बहुत सारे तरह के जानवर, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन मैंने एक जगह से दूसरी जगह में या फिर खेती वगैरह में यूज़ करते थे। जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि बैल का यूज़ देते हैं ज़्यादातर खेत में होता है, तो बैल जानती हैं कितना बड़ा हैवी जानवर होता है, गाय से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। प्लांट्स वेयर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड बाय द अर्ली ह्यूमेंस। तो प्लांट्स जो है जानते हैं कि प्राचीन काल से ही इंसान जो है पौधे को रोपना
शुरू करते हैं। द प्लांट डैट यील्ड्स लार्ज साइज ग्रेन हैड स्ट्रॉन्ग स्टक एंड वेयर केपेबल ऑफ बींग द वेट ऑफ राइप ग्रेन वेयर सेलेक्टेड। ओवर द ईयर्स मैन लर्न टू प्रिजर्व सेलेक्ट एंड सो गुड क्वालिटी सीड्स। तो इंसान जब खेती बाड़ी करना सीख लीन तो ये बीज को लंबे समय तक रखते हैं बचा करके, जब सीजन होता है तो इसी बीज को वो रोप करके पौधा उगाते हैं। जैसे आज भी किसान क्या करते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग ही प्लांटेशन करते हैं। तो सब्जी का जब सीजन आता है, ठंडी में बहुत सारा सब्जी की सीजन आता है तो सब्जी का पौधा रोपते हैं। गेहूं का सीजन आएगा तो गेहूं का बीज बोएंगे, और अगर मान लीजिए राइस का सीजन आता है, चावल का, धान का, तो उस सीजन में रोपते हैं। दस डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स बिकेम डिफरेंट एंड ऑल्सो बेटर दैन द वाइल्ड प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप्स। तो खास करके पौधे भी कई तरह के होते हैं, कुछ जंगली पौधे होते हैं जिसका उतना यूज़ नहीं होता है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको कहते हैं डोमेस्टिकेटेड, जिसको खास के खास सीजन में उसको रोपा जाता है, उसका यूज़ किया जाता है खाने पीने के लिए, तो इसका यूज़ करना सीख गए थे। रिमेन ऑफ ग्रेन एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ द नियोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड एट चिरंड इन बिहार। अब बताइए ये सब साइट्स जो पाया गया आज से हज़ारों साल पहले, तो बिहार में कुछ ऐसा जगह है जैसे चिरंड माना जाता है, टेक्ला कोटा एंड हेलोर इन कर्नाटक में वो जगह है जहाँ से इसके बारे में पता चला, एंड पियामपली इन तमिलनाडु। तो ये सब कुछ साइट्स हैं जिसके बारे में हमें पता चलता है कि आज से 10,000 साल पहले नियोलिथिक्स पीरियड में किस तरह से अर्ली मैन जो है वो खेती बाड़ी सीखीन और खेती करना सीखीन। ओके स्ट्रेंज, थैंक्स यू सो मच गाइस, आई होप दिस वीडियो इज कम्प्लीटली हेल्पफुल टू यू। थैंक्स यू, स्टे होम, स्टे सेफ।